और फिर बड़ी खबर आपको बता दें, पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निकाले जाने के खिलाफ टीएमसी नेता मावा मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। मावा मोइत्रा ने बुधवार को अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में गिरने के बाद मावा मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके खिलाफ वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। 8 दिसंबर को मावा की संसद सदस्य खत्म हुई थी और इस निष्कासन के खिलाफ मावा ने 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 8 तारीख को उन्हें सस्पेंड किया गया था मावा मोइत्रा को, 10 तारीख को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यानी कि 11 दिसंबर को मावा मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निकाले जाने के खिलाफ टीएमसी नेता मावा मोइत्रा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बुधवार को आपको बता दें कि अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग मावा मोइत्रा की तरफ से की गई थी। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में गिरने के बाद मावा मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चाहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। 8 दिसंबर को मावा मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सदस्यता रद्द की गई। एथिक्स कमेटी ने मावा को निष्कासित करने की सिफारिश की थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद वोटिंग हुई थी। इसके बाद 8 दिसंबर को लोकसभा से ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया। विपक्षी पार्टियों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। अब आपको ये भी बताते हैं कि मावा मोइत्रा पर आरोप क्या कुछ लगे हैं। मावा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा है। संसद में सवाल पूछने के बदले गिफ्ट लेने का आरोप भी मावा मोइत्रा पर लगा है। संसद का लॉगिन पासवर्ड किसी और को देने का ये बड़ा आरोप उन पर लगा है। मावा की आईडी से दुबई से लॉगिन होने का भी आरोप लगा है। मावा के लॉगिन से एक से ज्यादा बार वेबसाइट खोली गई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 15 पुलिसकर्मियों को ब्लास्ट कर शहीद करने वाले इनामी नक्सली दुर्गेश बट्टी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। इसके अलावा एक और नक्सली को भी मार गिराया गया है। हालांकि इस दौरान काफी देर तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, लेकिन पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने उस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दो नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है।